हाय गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ नीदरलैंड वुमेंस वर्सेस आयरलैंड वुमेंस का जो सेकेंड ओडीआई मैच होने वाला है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये मैच नीदरलैंड में ही खेला जाएगा और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं इसके वेन्यू का बात करूँ जहाँ पर मैच होना है। ये मैच जैसे नीदरलैंड में ही होना है और जिस पिच पे जो मैच होना है इस पर अभी तक 16 मैच रिसेंट में हुए हैं जिसमें से फर्स्ट बैटिंग जो किया है वो 8 मैच ऑन किया हुआ है और फर्स्ट बॉलिंग वाले 7 मैच ऑन किया हुआ है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर जो रहा है 126 रहा है, सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोरिंग 101 रहा है। हाईएस्ट टोटल अभी तक 201 रन बने हैं, लोवेस्ट टोटल 43 बने हैं, हाईएस्ट चेस्ट जो हुआ है 161 हुआ है, लोवेस्ट डिफेंड की बात करूँ तो 113 हुए हैं लोवेस्ट डिफेंड। अभी तक इस सीरीज़ में फर्स्ट ओडीआई कंप्लीट हो गया हुआ है जिसका मैं बॉक्स स्कोर पे पहले एक बार नज़र दे लेता हूँ। आयरलैंड जो सेकेंड बैटिंग किया था 86 का रन था जिसको चेस करना था, इजीली वो चेस कर गए थे। तो इसमें जो प्ले किए थे एल पॉल जिन्होंने 9 रन बनाए थे, जी लेविस 25 रन बनाए थे और हंटर 12 रन, डेनली कुछ 0 पे आउट हो गए थे, इस टीम की कैप्टन है वो। उसके बाद ओ प्रेंट ग्रेस्ट 24 रन बनाए थे, कवेंगा 0 रन बनाए थे, ओल्डन जो इसके विकेट की बड़ा 3 रन बनाए थे और मैच ऑन कर लिए थे। इनके तरफ से जो बॉलिंग की थी वो जी डेम्प्रेसी जिन्होंने 1 विकेट लिए 6 ओवर किए थे और एक केली ने काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया था, इन्होंने 7 ओवर में 3 विकेट ली थी। और आर डेली की बात करें तो ये भी अच्छी बॉलिंग की थी और इन्होंने 9 ओवर की थी और 3 विकेट इन्होंने ली थी। सी मुरी की बात करूँ तो 6 ओवर की थी और 2 विकेट लिए थे। दिल्ली की बात करूँ तो ये 1 विकेट लिए थे 3 ओवर करके, एल पॉल ने 2 ओवर किया था और कोई विकेट नहीं लेते, 13 रन इन्होंने दिया है। दूसरी टीम में आयरलैंड नीदरलैंड की बात करूँ तो बी लीडे जिन्होंने 3 रन बना के आउट हो गए थे, कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाए थे। और उसके बाद मैं बात करूँ तो अंजम वन जो है उन्होंने 4 रन बनाए थे, जे पोस्ट 0 रन बनाए थे, रोबिन रिचके जो है 1 रन बनाए थे और जे वायलट 2 रन बनाए थे, ज्यूलिंग 9 रन बनाए थे। उनकी तरफ से अच्छा परफॉर्म की थी ओवर ड्रिजिक नट आउट रही और 38 रन बनाए थे। उसके बाद जी बॉलमैन 1 रन बनाए थे, इवन लाइन 8 रन बनाए थे। और मैं बात करूँ इनके तरफ से जो बॉलिंग हुई थी वो आयरलैंड के खिलाफ, वो ज्यूलिंग 7 ओवर किए थे, 2 विकेट इन्होंने ली थी और उसके बाद दूसरी ओनिंग 2 ओवर की थी, कोई विकेट नहीं ली थी। बॉलमैन 1 ओवर की थी, 13 रन खर्च की थी, उसके बाद इनको बॉलिंग नहीं मिला था। उसके बाद ई लैन इन्होंने 6 ओवर किया, 1 विकेट लिया था, एस स्लिंगर इन्होंने 2 विकेट लिया था और ए बेग्यू ने के ओवर में ही मैच ऑन हो गया था, इनको बॉलिंग करने का चांस नहीं मिला था। अब मैं बात करूँ कि बेस्ट परफॉर्म जो की थी, अभी मैं इसके तरफ से बात करूं नीदरलैंड की तरफ से तो इनके विकेट कीपर हैं, अच्छे बैटिंग करती हैं, ओपन करती हैं, ज्यूलिंग जो बॉलिंग भी करती हैं और बैटिंग भी करती हैं, अच्छा परफॉर्म कर जाती हैं और इससे पहले वाली भी मैच में अपना परफॉर्म की थी। ओवर ड्रेजिक जो 38 रन बनाए थे और इन्होंने बॉलिंग भी की थी, जो बॉलमैन इनके अलाउंडर है और मतलब बॉलिंग भी कर लेते हैं, इनको ऑफ स्पिनर है और ये इवन लेस ये बॉलर है। बेस्ट परफॉर्म अगर हम आयरलैंड वुमेंस की बात करें तो जी लेविस बैटिंग के तरफ से ये परफॉर्म करते हैं और हंटर बैटिंग की तरफ से करते हैं, एल डेनली इनके कैप्टन है और ओ प्रेंट ग्रेस्ट जो है इनके ऑलराउंडर, एम वर्ल्डन विकेट कीपर है इनके। और मैं आगे जो बात करूँ जो आज के एक्सपेक्टेड जो प्लेइंग 11 रहने वाली है उसके बारे में मैं एक बार बात कर लूँ। प्लेइंग इलेवन जो नीदरलैंड की तरफ से रहने वाले हैं, जो सेम एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन मुझे दिख रहे हैं, बी लीडे जो इनके कैप्टन है, ए विगो जो इनके बॉलर है वो उनका डाउन अप एंड डाउन होता रहता है, जे पोस्ट, आर रिचके, विलेट, ज्यूलिंग, ओवर ड्रिजिक, बॉलमैन, लेंस, शिंगर्स और वर्निंग, ये नीदरलैंड वुमेंस की प्लेइंग इलेवन है। वहीं मैं आयरलैंड वुमेंस की मैं बात करूं जो प्लेइंग इलेवन रहने वाली वो एल पॉल, लेविस, हंटर, डेनली जो इनके कैप्टन है और प्रेग्रेस्ट,
कवांगा और वर्ल्डन, आर्डेली, डेम्सी, केली और सीमूरे, ये इनके एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 आज के रहने वाले। और आज के मैच में मैं जो प्लेयर पिक करने वाला हूँ, की प्लेयर जो मेरे रहने वाले हैं, वो नीदरलैंड की तरफ से मैं 5 प्लेयर को सिलेक्ट किया हूँ, जो इनके विकेट कीपर लीडे है और रिचके है, ज्यूलिंग जो इनके ऑलराउंडर हैं, और ओवरड्रिक और सिल्वर स्ट्रिंगर को उनके बॉलर को लूँगा। फिर मैं आयरलैंड वुमेंस की बात करूँ तो एल पॉल, लेविस, डेली, कवेंगो और केली, ये मैं इनको पिक करने वाला हूँ। अगर कुछ चेंजेज होते हैं लाइनअप आने के बाद तो मेरे टीम में चेंजेस दिखेंगे, और उसके बाद चेंजेस दिखेंगे, कुछ अपडेट भी आती है तो वो अपडेट मेरे चैनल पे आती है, रिलेटेड मैच के रिलेटेड कोई भी इंफो। मैं सेट टीम की बात करूँ तो मेरे जो आज के सेट टीम रहने वाले हैं वो ये रहने वाले हैं कि मैंने विकेट कीपर बी लीडे सेलेक्ट किया हुआ है, जी लेविस बैट्समैन जो आयरलैंड के बैट ओपन करती हैं, आर इच के, जे ए हंटर, एल डेनली, एल पॉल, ए केली, जे आई ज्यूलिंग, आर डेनली, सी मूरे और एस स्ट्रिंगर। तो मैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूं तो मेरे टीम में जो कैप्टन रहने वाले वो ए केली, और वाइस कैप्टन हो सकता है तो मैं चेंज करूं एल डेनली के साथ, अभी मैं सेट टीम रखा हूं, हो सकता है मैं आई ज्यूलिंग के साथ में जाऊं। और आप अगर जीएल प्ले करते हैं तो आप ए केली सब में कैप्टन तो नहीं, आप चेंज कर सकते हैं इंटरचेंज, ऐसे एल डेनली को भी कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आप अपने जीएल टीम में एल केली, एल डेनली और ज्यूलिंग इसको और सी मूरे को भी आप कैप्टनसी में ट्राई कर सकते हैं। अगर कुछ भी रिलेटेड आती है इस मैच के वो सब इनको मेरे चैनल पे मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आगे से कोई भी वीडियो आती है क्रिकेट से रिलेटेड या बास्केटबॉल से रिलेटेड तो वो सब टीम मेरे चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी, और मैं फ्री टीम प्रोवाइड करता हूँ, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल लिंक दे दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं पैंथर 11, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर सकते हैं पैंथर 11 से भी आप सर्च कर सकते हैं, और नहीं तो फिर @Panther11ABC सर्च करें और डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कीप एंड सपोर्ट